बड़ी बिल्डिंगों की छतों पर लगे उल्टे छतरे नुमा डिश एंटीना का जमाना भले ही आज खत्म होता जा रहा है, पर एक दौर वो भी था जब इन्हीं के माध्यम से घरों तक केबल खींचकर टीवी पर ढेरों चैनल देखे जाते थे। आज इनकी जगह डीटीएच की छोटी छोटी छतरियां और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेते जा रहे हैं। वैसे तो सबसे पहले केबल टीवी की शुरुआत अमेरिका से हुई थी, पर भारत में इसकी शुरुआत का श्रेय विक्रम साराभाई को जाता है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार था। जुलाई 1975 की एक शाम को पिस में 100 से भी अधिक ग्रामीण एक मैदान में जमा थे। वहां छतरी नुमा एक उल्टा एंटीना लगा था। उनकी नजरें लकड़ी के एक बक्से पर रखी एक कांच की स्क्रीन पर लगी थी। उसी दौरान अचानक खड़ाखड़ की आवाज के साथ कांच की स्क्रीन पर चलचित्र के साथ आवाज आने लगी। ग्रामीण यह सब देखकर हैरान हो गए। ये भारत में पहली बार सैटेलाइट के जरिए टीवी कार्यक्रम के प्रसारण की शुरुआत थी। इतिहास की बातें अगर यही खत्म करें और रुख इसके कानूनी पक्ष की तरफ करें तो केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल नवंबर के महीने में प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक 2023 का प्रस्ताव रखा था। लगभग एक साल बाद भी ये बिल कानून का रूप नहीं ले पाया है। इसे सदन में बहस के लिए भी नहीं रखा गया है। हालांकि इस बीच इसमें एक बार बदलाव हो चुका है। अब सरकार इस बिल के लिए नया ड्राफ्ट लाने की बात कह रही है। आइए जानते हैं कि आखिर नए कानून की जरूरत क्यों है। केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 तीन दशकों से प्रभावी है। ये केबल नेटवर्क सहित सीधे प्रसारण की विषय वस्तु की निगरानी करने वाले प्राथमिक कानून के रूप में कार्य कर रहा है। हालांकि इस बीच प्रसारण परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। तकनीकी प्रगति ने डीटीएच, आईपीटीवी, ओटीटी और विभिन्न एकीकृत मॉडल जैसे नए प्लेटफॉर्म पेश किए हैं। प्रसारण क्षेत्र के डिजिटलीकरण के साथ विशेष रूप से केबल टीवी में नियामक प्रारूप को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता बढ़ रही है। डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया पर भी नियंत्रण की जरूरत महसूस की गई है। इसी वजह से सरकार पुराने कानून में बदलाव कर रही है। अब आइए जानते हैं नया बिल क्यों ला रही है सरकार। आपको बता दें कि प्रसारण सेवा विधेयक 2023 में काफी सख्त नियम है और इसकी काफी आलोचना हुई है। कहा गया है कि यह विधेयक डिजिटल समाचार प्रसारकों के लिए सुचारू संचालन पर कम और सेंसरशिप की तरफ ज्यादा झुके हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसके अलावा कई लोगों ने इस विधेयक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी का जरिया बताया। डीजीपब और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जैसे समूहों ने दावा किया कि इस बिल को बनाने से पहले डिजिटल मीडिया संगठनों और नागरिक समाज संघों से कोई बात नहीं की गई। विपक्षी दल कांग्रेस ने भी इस बिल की आलोचना की। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर सोशल मीडिया, ओटीटी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म और निजी तौर पर लिखने और बोलने वालों का मुंह बंद करने का आरोप लगाया। इसी वजह से सरकार सभी की शंका दूर करती नजर आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने सुझाव और टिप्पणियां मांगने की अवधि बढ़ा दी है और दोहराया है कि वह विस्तृत परामर्श के बाद एक नया मसौदा पेश करेगी।